हिंदू धर्म में जितिया का विशेष महत्व होता है। इस पर्व को और कई नामों से जाना जाता है, जैसे जीवित पुत्रिका, ज्यूत पुत्रिका, जितिया, ज्यूतिया और जयुतिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में जब द्रोणाचार्य का वध कर दिया गया तो उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसकी वजह से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु नष्ट हो गया। तब भगवान कृष्ण ने इसे पुनः जीवित किया था, इस कारण इसका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तब से इस व्रत को माताएं अपनी संतानों के लिए करती हैं। इसे प्रत्येक वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है, लेकिन पूजा का विधान सप्तमी तिथि से प्रारंभ होकर नवमी तिथि तक चलता है। इस पर्व को माताएं अपनी संतान के स्वच्छ जीवन, सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए करती हैं। यह पर्व 3 दिनों तक चलता है। सप्तमी नहाए खाए से प्रारंभ होकर अष्टमी को निर्जला व्रत और अगले दिन नवमी को पारण के साथ इस व्रत का समापन हो जाता है। वैसे तो सनातन धर्म में पूजा पाठ में मांसाहार का सेवन वर्जित होता है, लेकिन व्रत से जुड़ी परंपरा के अनुसार कुछ राज्यों में इस पर्व का शुरुआत यानी कि नहाय खाय के दिन मछली खाकर की जाती है। पौराणिक कथाओं में इस परंपरा के पीछे जीवित पुत्रिका की कथा में वर्णित चील और सियार को होना माना जाता है। इसके साथ ही मरुआ के आटे की रोटी, नोनी के साग, झिंगी के सब्जी और पुआ पूरी बनाया जाता है। व्रत के दिन यानी अष्टमी के सुबह में सूर्योदय से पहले माताएं सरगही करती है, जिसे ओठगन भी कहा जाता है, जिसमें घर में बने पकवान खाती हैं और नेनुआ या झिंगी के पत्ते पर चील, सियार और अपने पितरों को भोजन देती हैं। सूर्योदय के साथ ही माताएं निर्जला व्रत की शुरुआत करती हैं, जिसमें पारण तक एक बूंद पानी भी नहीं पीती। शाम को कथाएं सुनकर लाल धागे से बना माला पहनती है। बहुत माताएं इस माला में सोना और चांदी के लॉकेट, जिसे जितिया कहा जाता है, भी गुथवाती है। सोना पुत्र का और चांदी पुत्री का प्रतीक होता है, लेकिन आजकल केवल सोना ही पहना जाता है। इसे अगले दिन नवमी को पारण के साथ ही इस व्रत का समापन हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस साल यानी कि 2022 में यह पर्व कब मनाया जाएगा। 17 सितंबर 2022 को नहाए खाए, 18 सितंबर 2022 को व्रत और 19 सितंबर 2022 को पारण के साथ ही इस व्रत का समापन हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।